लेते हैं उदयपुर जेल में पुलिस का छापा। बड़ी खबर इस वक्त की, उदयपुर जेल में पुलिस ने छापा मारा। एएसपी सिटी सहित कई थानों के सीआईए इस दौरान मौजूद रहे। जेल का आकस्मिक निरीक्षण जारी है। उदयपुर जेल में पुलिस ने छापा मारा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसपी सिटी सहित कई थानों के सीआई मौजूद रहे इस दौरान। आपको बता दें कि उदयपुर पुलिस ने छापा मारा, जेल में पुलिस की तरफ से छापा मारा गया। एएसपी सहित कई थानों के सीआई इस दौरान मौजूद रहे। जेल का आकस्मिक निरीक्षण फिलहाल जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उदयपुर जेल में पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान एएसपी सिटी सहित कई थानों के सीआई मौजूद रहे। बड़ी खबर, उदयपुर जेल में पुलिस की तरफ से छापा मारा गया। जेल का आकस्मिक निरीक्षण फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि एएसपी सहित कई थानों के सीआई इस दौरान मौजूद रहे। तो उदयपुर जेल में पुलिस की तरफ से छापा मारा गया, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एएसपी सिटी सहित कई थानों के सीआई इस दौरान छापेमारी के दौरान मौजूद रहे। जेल का आकस्मिक निरीक्षण फिलहाल जारी है। बड़ी खबर उदयपुर से। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप, उदयपुर जेल में पुलिस की तरफ से छापा मारा गया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन की ओर से सर्चिंग ऑपरेशन जो है उदयपुर की सेंट्रल जेल में लगातार जारी है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि यहाँ पर कैदियों के पास मोबाइल हो सकते हैं। इसके अलावा नशे की जो सामग्री है उसकी सूचना भी लगातार जो है वो पुलिस प्रशासन को मिल रही थी, जिस पर आज एडिशनल एसपी सिटी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, एडीएम सिटी संजय वासु सहित उदयपुर शहर के करीब 11 थानाधिकारी जो हैं उनके साथ उनका जाब्ता सभी सेंट्रल जेल में पहुंचे और अलग अलग बैरक में जो है वो तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया। फिलहाल 2 घंटे से अधिक का समय जो है वो हो चुका है। 10 टीमें जो है वो पुलिस की ओर से गठित की गई थी और उनकी ओर से लगातार सर्चिंग जो है वो की जा रही है। कुछ ही देर बाद से पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं जो कि सर्चिंग ऑपरेशन में जेल के अंदर हैं, वो जो बाहर आएंगे उसके बाद पूरी तरीके से स्थिति जो है अब वो साफ हो पाएगी कि कितने मोबाइल उनको इस दौरान सर्चिंग ऑपरेशन में मिले हैं और इसके अलावा नशे की सामग्री जो कैदी इस्तेमाल करते हैं तो कितनी सामग्री को उन्होंने जब्त किया है उसको लेकर एक आधिकारिक आंकड़ा जो है वो जैसे ही वो बाहर आएंगे उसके बाद उनके द्वारा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 10 से अधिक पुलिस की टीमें जो है वो गठित की गई थी, 100 से अधिक पुलिसकर्मी इस पूरी कार्रवाई के अंदर मौजूद हैं और लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो जेल के अंदर किया जा रहा है। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।